तेलंगाना में कांग्रेस की जीत क्या हुई? दक्षिण के राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियां अलर्ट मोड पर आईं। अमेठी से राहुल लड़ने के मूड में नहीं है, अब वायनाड को लेकर राहुल को मिली टेंशन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब से अमेठी में बीजेपी नेता स्मृति ईरानी से हारे हैं, तब से उनका मोह यूपी से भंग हो गया, दक्षिण भारत की ओर रुख किया, वहाँ वायनाड में जीत मिली, सांसद बने, तब से अक्सर राहुल के जुबान पर दक्षिण के राज्यों का गुणगान आ जाता है। दक्षिण में कांग्रेस परफॉर्मेंस दे रही है, पहले कर्नाटक में जीत हासिल की और तेलंगाना में भी कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन ये जीत कांग्रेस के लिए अब सिरदर्द बन गई है। कांग्रेस के सहयोगियों को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि अब कांग्रेस से कट्टी करने के लिए सीधा राहुल गांधी को टारगेट करने का प्लान बना लिया है। तीन बड़े हिंदी भाषी राज्यों में हार के चलते कांग्रेस चौतरफा इस तरह से घिरी हुई है कि तेलंगाना में जीत का जश्न भी ठीक से मना नहीं पा रही है। पार्टी की फर्स्ट फैमिली तो चुनावी चर्चाओं के बीच पूरी सीन से ही गायब नजर आ रही है। ऊपर से सहयोगी दल टेंशन पर टेंशन दिए जा रहे हैं। अब केरल में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी सीपीएम ने कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को वायनाड से उतारते समय कांग्रेस को तय करना होगा कि वो बीजेपी से लड़ रही हैं या फिर एलडीएफ से। कांग्रेस और एलडीएफ दोनों ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, जिसे अगले आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए ही बनाया गया है। विजयन ने साफ किया कि अगर गठबंधन की जरूरत नहीं है तो केरल में कांग्रेस और एलडीएफ के बीच मुकाबला होगा और एलडीएफ वायनाड में अपना उम्मीदवार उतारेगा। केरल के त्रिशूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस को तय करना है कि राहुल गांधी को केरल में बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए या एलडीएफ से। क्या आप यहां केरल में कह सकते हैं कि आप बीजेपी से लड़ रहे हैं या मुकाबला कर रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खुद यूपी की अमेठी और केरल के वायनाड दोनों सीटों से चुनाव लड़ना तय किया था। अमेठी में उन्हें बीजेपी की स्मृति ईरानी ने हरा दिया, लेकिन वायनाड से जीतकर वो संसद पहुंचे थे। विजयन ने यह भी कहा है कि इंडिया ब्लॉक ये नहीं तय करेगा कि उसके सदस्य कहां से अपने उम्मीदवारों को लड़ाएंगे। ये टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि एक दिन पहले ही उनकी पार्टी सीपीएम ने राहुल के दोबारा वायनाड से चुनाव लड़ने की चर्चाओं की आलोचना की थी। सीपीएम ने कहा था कि वायनाड के कांग्रेस सांसद को राज्यों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में पड़ने की जगह खुद को बीजेपी की फांसीवादी नीतियों के खिलाफ लड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उनका कहना था कि राहुल को ऐसी जगह से चुनाव लड़ना चाहिए जहां भाजपा का प्रभाव है। उनके मुकाबले केरल में बीजेपी का कोई खास महत्व नहीं है। हाल ही में जब वायनाड से कांग्रेस के सांसद केरल आए थे तो उन्होंने कहा था कि उनका चुनाव क्षेत्र उन्हें घर जैसा लगता है। इसका यही अर्थ निकाला गया कि अगली बार भी वायनाड से ही चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। राहुल ने कहा था, मैं इसे अपने परिवार के पास आने और अपने मित्रों से मिलने जैसा मानता हूँ। मैं जितना ज्यादा केरल और वायनाड आता हूँ उतना ही ये मुझे मेरे घर जैसा महसूस होता है। लेकिन इंडिया ब्लॉक की सहयोगी की आपत्ति का मतलब है कि या तो गठबंधन में फूट तय है या फिर कांग्रेस नेता के लिए कोई दूसरा चुनाव क्षेत्र तलाशना पड़ सकता है। तीन राज्यों में हार के बाद इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पहले से ही बुरी तरह से घिरी जा रही है। अब सीपीएम ने जिस तरह से केरल में राहुल गांधी के वहां से चुनाव लड़ने के खिलाफ मोर्चा खोला है, उससे इस गठबंधन में शुरू हुई तकरार और बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। लेकिन एक सवाल है, सीपीएम राहुल के संसदीय क्षेत्र वायनाड के जरिए क्यों कांग्रेस पर निशाना साध रही है? इसके पीछे वजह है, वजह तेलंगाना में मुस्लिम वोटरों का कांग्रेस की ओर रुख करना है, जिसका खामियाजा केसीआर की पार्टी वीआरएस को हुआ। इसी तरह कर्नाटक में भी मुस्लिम वोटर का मिजाज जेडीएस को साइड कर कांग्रेस की ओर गया, जिससे जेडीएस की हालत पतली हो गई। अब दक्षिण के अन्य राज्यों की पार्टियों को भी ऐसा लगने लगा है। दक्षिण में कांग्रेस के इंटरेस्ट से अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को होगा तो वहां जमी जमाई पार्टियों को होगा, जिसकी ओर मुस्लिम वोटर्स के वोट आते हैं। जिस तरह से दक्षिण भारत में मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस की राजनीति रास आ रही है, उसकी वजह से अब इंडिया में शामिल दक्षिण भारत की पार्टियों को एहसास हो चुका है कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना जरूरी है। राहुल के खिलाफ सीपीएम की ओर से लोकसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवार उतारना मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस से दूर करने की रणनीति है। कोशिश यही है कि राहुल वायनाड से चुनाव नहीं लड़े, ताकि दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस के पैर मजबूत न हो सकें।